आप अकेले सांसद है अपनी पार्टी के, क्या आपको लगता है आप इसको रोक पाएंगे? हमारे साथ ऑपोजिशन सबके सब इस मामले में हमारे साथ है। हम मीडिया के जरिए से सारे ऑपोजिशन भाई भाई हमारे साथ है। लोकसभा में हम लोग लेकिन राज्यसभा में वो यदि पास नहीं करें। सरकार कह रही है कि हम इंसानी बुनियादों पर शहरियत देना चाहते हैं, जो तभी कुछ लोग हैं पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के, वो माइनॉरिटी जिनको वहाँ पर जुल्म हुआ है उनको हम नागरिक शहरियत देना चाहते हैं। ये बहाना है, ये खिलाफ हिंदू भाई ग्रहण करना चाहते हैं। पाकिस्तान में मुसलमानों की अकल के फिरके के लोग आज भी एक दिन बाद गए हैं, वो आज भी वहाँ हाजिर कह रहा है। माइनॉरिटी में मुसलमानों के बहुत से सेक्टर हैं जो आज माइनॉरिटी में नहीं देखा जाता, इसलिए मुस्लिम के बनने के बाद ये विभाजन नहीं माना जाएगा। पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इस वक्त पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत न के ऐसे पिलाने की, क्या पाकिस्तान के 1-2% लोग भी ऐसे नहीं होंगे, ट्रेंड लोग होंगे पाकिस्तान एक साल में भेजेगा, बड़े बड़े ऑफिसों में नौकरियों में जाएंगे, स्टेट में जाएंगे, चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, सब ये राय दे रहा हूँ। यहाँ आके बहुत बड़ा शब्द क्या अलग अलग पार्टियों से आपकी बात की है राज्यसभा में? हमारे संविधान के साथ दूसरा ये है कि आसाम एकॉर्ड के खिलाफ है, तीसरा ये है कि आसाम के हिस्ट्री और कल्चर को खत्म करने वाला है, आसामियों और दोनों आसाम इसके झगड़ा लगाने वाला है, सरकार झगड़ा लगाने वाला है, इसलिए हम जस्टिस जितना भी एक्सेप्टेड हो लोकसभा में उनकी अक्सरियत है वो पास करेंगे, लेकिन राज्यसभा में इस बार उनको इस बिल को नहीं कर पाएंगे और करेंगे भी तो हम सुप्रीम कोर्ट में। ये देखिए ये हिंदू मुस्लिम डिवीजन के लिए अमित शाह जी के बीजेपी RSS विश्व हिंदू परिषद का मकसद ही है इस वक्त में धर्म के नाम पर विभाजन किया जाए, जो जिन्ना जी करके गए वो काम आज अमित शाह करना चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।